चिराग पासवान और पशुपति पारस में जारी घमासान के बीच अब एलजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। चिराग समर्थकों ने पटना के मोरिया होटल के सामने पोस्टर लगाया। पोस्टर में पशुपति पारस के लिए लिखा है, गद्दार चाचा से सावधान। बाहुबली फिल्म से प्रेरित इस पोस्टर में चिराग पासवान को बाहुबली के रूप में दिखाया गया है, जबकि पशुपति पारस को कटप्पा बताया गया है। बीजेपी की लड़ाई में देखिए कि किस तरीके से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। यहाँ पर एंट्री हो गई है कटप्पा की, बाहुबली की, और पटना के मौर्या होटल के सामने ये पोस्टर लगाया गया है। एलजेपी के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कल्लू जी, ये बताइए कि ये क्या है, यह पोस्टर वार कैसे छिड़ गया? हमारे सम्मानित रहे हुए पशुपति कुमार पारस जी, मैं उनका आज भी आदर करता हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से मैं विरोध भी करता हूँ। पूरा एक वर्ष भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरे हुए नहीं हुआ था, और उनके पुत्र और अपने भतीजा को पीछे से उन्होंने वार कर छूरा घोपने का कार्य किया। पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लड़ना है पशुपति कुमार पारस जी को, चूंकि वह डुप्लीकेट पार्टी के हैं, हमारा तो ओरिजिनल पार्टी है, अरे मेरे पिता के खून पसीने। आगे ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई चलता रहेगा, और हमारी जीत थी, जीत है, और आगे भी जीत रहेगी। तो देखिए कि एलजेपी का वो खेमा है जो चिराग पासवान जी के साथ है, और यहाँ देखिए किस तरीके से अब पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ चुका है। कटप्पा भी है, बाहुबली भी है, और साफ तौर पर जो एलजेपी का खेमा है, भले ही यहाँ पर लोग बेहद कम है, संख्या बल इनकी नहीं है, लेकिन दावा तो एलजेपी का वो खेमा जो चिराग पासवान के साथ है वो ज़रूर कर रहा है कि ये जो लड़ाई है इतने पर ही नहीं रुकने वाली है, बल्कि ये लड़ाई जो है और आगे चलने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चिराग गुट क्या कुछ कर रहा है और उसकी रणनीति क्या कुछ होती है। कैमरा पर्सन दीनानाथ होजा के साथ रितेश मिश्रा।